राम, इसकी एक और भी वजह थी कि बाबा जो थे वो अपनी माँ से बहुत अटैच थे, बहू से। तो और बहू जो थी वो अपने पुरखों की डेरी छोड़ के मिर्ज़ापुर वो नहीं जाना चाहती थी जगह जगह। हालांकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज ये कैरियर, मंतोरण दादी की बात हो रही है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज कैरियर ये उनको करना पड़ा। और सो मच सो के बाबा के रिटायरमेंट के ठीक बाद 1938 में, इन द ईयर 1938, उनकी जो स्वर्गवास जो था वो राधे निवास नाम के एक मकान में हुआ, जो कि नारायण निवास जो हम लोगों का पुश्तैनी घर है उससे केवल 200 गज दूर ही है, अच्छा और लखनऊ में ही उनका स्वर्गवास हुआ। अच्छा बट हैविंग सेड दैट, वो जब तक बहू जीवित थी वो मिर्ज़ापुर छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए बाबा जो थे वो या तो मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद या वाराणसी या कसिया, गाजीपुर, देवरिया, इन्हीं जगहों पर, प्रतापगढ़, रायबरेली, इन्हीं जगहों पर रहते थे। उनके जो वन ऑफ द लास्ट पोस्टिंग जो बाबा की हुई वो एज एक्टिंग कलेक्टर ऑफ रायबरेली डिस्ट्रिक्ट। इट्स अ प्लेस अबाउट 85 to 90 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ लखनऊ, वहीं पर हुई। और ही वॉज द एक्टिंग कलेक्टर, क्योंकि ऐसा था कि शायद मिस्टर जे एम लोगो प्रभु, हु वॉज एन ICS ऑफिसर एंड हु वॉज द सब्सटैंटिव कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ही वेंट ऑन लॉन्ग लीव, एंड एज वॉज द ट्रेडिशन बिकॉज ऑफ डर्थ ऑफ ICS ऑफिसर्स इन UP, वो ये होता था कि जो सीनियर मोस्ट डिप्टी कलेक्टर है उसको चार्ज उन दिनों के लिए मिल जाता था इन ए लीव वेकेंसी। तो बाबा रिटायर्ड एज द एक्टिंग कलेक्टर ऑफ द रायबरेली डिस्ट्रिक्ट इन द ईयर 1938। उसके बाद वो लखनऊ आ गए और लखनऊ में आके उन्होंने Why did he अपना come to Lucknow? वो लखनऊ से उनका क्या लेना देना था? लखनऊ में ही क्योंकि वो, अभी तक तो इस हिस्ट्री में लखनऊ का एक भी मेंशन नहीं है। हाँ, तो क्योंकि लखनऊ वॉज द सीट ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा था कि उन्होंने अपने सर्विस के आखिरी ईयर में एक न्यू हैदराबाद नाम की एक लोकेलिटी थी गोमती के पास, इट वॉज कॉल्ड द ट्रांस गोमती सिविल लाइन, और लेटर ऑन इट केम टू बी नोन एज, आई मीन ऑल्सो नोन एज न्यू हैदराबाद। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी बड़ा प्लॉट खरीदा था जो कि करीब 100 फीट बाई 250 फीट, अच्छा 250 फीट डेप्थ और 100 फीट उसका फ्रंटेज अलॉन्ग अ मेन रोड विच इन टाइम टू कम वॉज नोन एज राय बिहारी लाल रोड, केम हाँ टू बी नोन एज राय बिहारी लाल रोड, उस पर उन्होंने खरीद रखा था। और एज ये अ हिस्टोरिकल फुटनोट, हु इज दिस राय बिहारी लाल आफ्टर हुम द रोड वॉज नेम्ड? मुझे इसका अच्छा, कोई यू हैव नो मुझे आइडिया। इसका कोई ओके आइडिया ठीक नहीं, है। बट डेफिनेटली ही वॉज अ राय साहब हाँ और इसी एंड हेंस द प्रीफिक्स राय। Do you have any idea of why he might have chosen Lucknow, apart from the fact that it was a seat of government इट वॉज द सीट for ऑफ गवर्नमेंट एंड उसके बाद उनके रिटायरमेंट के ठीक बाद उनको उनके जो उनके पहले सर्विस लाइफ के जो सुपीरियर्स थे उन्होंने उनको डिस्ट्रिक्ट रेशनिंग ऑफिस लखनऊ में एक री एम्प्लॉयमेंट करवा दिया। अच्छा। इस तरह से वो लखनऊ आके बसे। हाउ ओल्ड वॉज ही व्हेन ही रिटायर्ड? ही वॉज अबाउट 55, अच्छा 1938 में रिटायर हुए हैं और 55 38 ये, और हाँ बिल्कुल वही बैठ गया 1883 में उनकी बर्थ है और 1938 में रिटायरमेंट है, ठीक है। तो 55 हाँ ईयर्स की एज पर रिटायर हुए। और वो मकान उन्होंने फिर चाचा ने और उन्होंने मिलके उन्होंने अपनी सारी पेंशन को कम्यूट कराया, कम्यूट मतलब यानी कि एक लंपसम। एंटिसिपेटरी कि साहब हमको 20 साल तक आधी हाँ पेंशन दीजिए, हाँ हाँ लेकिन वो आधी पेंशन हमको एक लंप सम में दे दीजिए, हाँ क्योंकि बीइंग अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर ऑफ
ही वॉज ए यूपी सिविलियन बट वेरी ऑनेस्ट, तो उनकी कोई ऊपर की आमदनी उन्होंने कभी की नहीं थी। उन्होंने ईमानदारी को गले लगाया था, इसलिए उनके पास जिस दिन वो रिटायर हुए हैं उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी बल्कि डेट्स थे। अच्छा, तो इस कारण उन्होंने अपनी पेंशन को कम्यूट करा। हैव यू एनी आइडिया व्हाई ही इनकर्ड दीज डेट्स? खर्च चलाने के लिए उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी थी, वो कुनबा परस्त आदमी। अच्छा, तो वो कुनबे की परस्ती करते थे। अच्छा, उनके एंड इट वाज अ लार्जेस्ट फैमिली, वेरी लार्ज फैमिली। सबसे छोटे भाई साहब जिनकी की फैमिली भी थी लेकिन वो कुछ नहीं करते थे, चाचा सूर्यनारायण जी, और काका जो कि अपनी विडो और दो तीन लड़की डिपेंडेंट लड़कियों को छोड़ के जिनकी डेथ हुई, उनकी वेरी ओल्ड एज मदर बहू, उनकी अपनी विडोड सिस्टर, चाइल्ड विडोड सिस्टर बसंती देवी जी, और उनके बड़े बेटे जो कि बहुत छोटी तनख्वाह पर काम करते हैं, ब्रजनारायण जी, और भाई साहब खैर उस वक्त मथुरा में काम करते थे वो, दैट्स माय ग्रैंडफादर प्रताप नारायण, हाँ, वो लखनऊ में काम नहीं करते थे। तो इन वजूहात के चलते उन्होंने लखनऊ में उनको री एम्प्लॉयमेंट करना पड़ा एज ए डिस्ट्रिक्ट रेशनिंग ऑफिसर, क्योंकि उसके ठीक कुछ ही महीनों के बाद वो आके कुछ दिनों तो रहे लेकिन कुछ दिनों के बाद विद द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939 सितंबर उनको एक डिस्ट्रिक्ट रेशनिंग ऑफिस की नौकरी मिल गई बिकॉज रेशनिंग वॉज इम्पोज्ड ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द ब्रिटिश एम्पायर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। हाँ, तो उन्होंने वहाँ पर रेशनिंग ऑफिस में काम किया लेकिन कुछ ही दिनों में उनका वहाँ पर दम घुटने लगा और उन्होंने पाया कि दिस वॉज अ डेन ऑफ इनइक्विटी, ब्राइब टेकर्स एंड देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ करप्शन इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद वो नौकरी भी छोड़ दी। अच्छा, और उसके बाद ये हुआ कि 1945-46 तक वो अनएम्प्लॉयड रहे और 1947 में जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उनके कुछ पुराने एसोसिएट्स जिसमें कि एक मिस्टर आरवी धुलेकर थे जो वहाँ उस समय यूपी में काफ़ी ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल मैन इन यूपी एंड ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन विच डील्स with the Ayurvedic and the Yunani system of medicine. उसका एक बोर्ड होता था, उसके धुलेकर साहब चेयरमैन थे और उन्होंने बाबा को उसका रजिस्ट्रार करके अपॉइंट कर दिया। What's a registrar? रजिस्ट्रार ये है कि जो कि वो सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो प्रैक्टिस करते हैं उन वैद्य और हकीमों की रजिस्ट्रेशन होती है, जैसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अच्छा, समझा। जैसे आज के डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन होता है उनका भी होता था। अच्छा, और उसके वो रजिस्ट्रार थे इन विच पोजिशन ही कंटिन्यूड टिल ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन अक्टूबर द 9th और 10th और मे बी 12th अक्टूबर 1952।